आरोग्य जागृति। नमस्कार, आरोग्य जागृति में आप सभी का स्वागत। मैं जयश्री श्रीवास्तव। आज का हमारा विषय है जिम्मेदारी के साथ महिलाओं ने ली उड़ान। प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद जी को जब ये पूछा गया कि सब दुनिया कब सुंदर होगी, तब उन्होंने एक पल की झिझक न लेते हुए जवाब दिया कि जब सारे पुरुष महिलाओं के जैसे हो जाएंगे तब ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। महिलाओं के जैसे यानी महिलाएं भावनिक होती है, उनमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है, वो मल्टीटास्किंग वर्क करके घर को संभालती है, ऑफिस को संभालती है। इसलिए जब पुरुष ये सब सोचना चालू कर देंगे तब ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। कोरोना जैसी महामारी के वक्त तो सभी को वर्क फ्रॉम होम था और महिलाओं पर तो पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि मेड बंद थी, घर का काम करना, बच्चों को संभालना, घर के बुजुर्गों का ख्याल रखना और ये सब करके वो खुद अपने करियर की तरफ ध्यान देती थी। किसी किसी की कम इतनी उम्र कम है, वो तो पढ़ के पढ़ाई करके सब काम करके ये सब करती थी, जैसे नवदुर्गा के जैसे ही काम चालू था महिलाओं का। घर पे जब लॉकडाउन का पीरियड बढ़ गया तब कुछ पुरुषों ने उनकी काम में मदद भी की, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं सोचते, इसलिए सब काम करके ऑफिस देखना ये सब महिलाओं को करना पड़ा। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं काम नहीं करती है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा लगाकर महिलाएं हर क्षेत्र में आज अच्छे से काम कर रही है, सारी जिम्मेदारियां संभाल के काम करती है। कोरोना की वजह से महिलाओं के सामने कभी ना छूटने वाले प्रश्न उपस्थित हुए हैं, जैसे कि सास ससुर का सपोर्ट, माता पिता का सपोर्ट। किसी के सास ससुर कोरोना ने छीन लिए, किसी के माता पिता छीन लिए, बच्चे नाना नानी दादा दादी के प्यार के लिए तरस रहे हैं, दिल की बात करने के लिए अपने हक की जगह नहीं बची है। बहुत सारे प्रश्नों से महिलाएँ त्रस्त हो गई हैं, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर हुआ है, जिसके चलते इरेगुलर पीरियड्स, पेट दर्द, हार्मोनल चेंजेस जैसी शिकायतें उनके जीवन में आ गई है। पर समस्या तो यह है कि 10 में से 9 महिलाएं डॉक्टर की सलाह ही नहीं लेती हैं और 11% महिलाएं तो महामारी के ऊपर चर्चा ही नहीं करती है। इसलिए महिलाओं में शुरुआत से ही इस विषय में जन जागृति करनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। दुनिया में हज़ारों बिजनेस वर्क फ्रॉम होम की अलग अलग सिस्टम अपना रहे हैं, जिसकी वजह से महिलाएं घर के काम के साथ ऑफिस का काम भी कर सकती है। घर के काम की वजह से उन्हें अपने करियर पर पानी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पुरुषों को अब घर के काम के बारे में थोड़ा पता चल रहा है। कोरोना ने जिन महिलाओं को विधवा बनाया है उनके प्रश्न तो बहुत गंभीर है। पति की मौत के साथ वो बहुत हताश हो गई है। मानसिक भावनिक समस्या के साथ साथ बच्चों का पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से तो बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हो गए हैं। तो इसलिए कुछ महिलाएं तो पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, कुछ की तो उम्र बहुत कम है, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम वो फेस कर रही है। गांव की महिलाओं के लिए उनका जीवन मान सुधारने के लिए कुछ रोज़गार उपलब्ध कराया है सरकार ने, तो वो घर पर बैठ कर मास्क बनाती है, कार्टून मास्क, ऐसे बहुत सारे प्रकार के मास्क बनाकर पंचायत समिति, जिला परिषद, पुलिस डिपार्टमेंट, आरोग्य विभाग इनको मास्क पहुंचाकर उन्होंने अपना घर पर ही अपना थोड़ा सा आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए कोशिश की है। रोज़गार मिला है उनको, गृह उद्योग की माध्यम से महिलाओं की आमदनी अच्छी हुई है। लॉकडाउन में आर्थिक संकट के साथ साथ महिलाओं को हिंसाचार का भी सामना करना पड़ा है, कुछ महिलाओं को जान से मारने की कोशिश भी की गई है। महिलाएं अपने जीवन काल में, कुछ ही महिलाएं ऐसी हैं जो अपने जीवन काल में अपने परिवार में स्वाभिमान बनाए रख पाती है। महिलाओं में सहन शक्ति मूल से ही अधिक होती है और वैसे भी हमारी भारतीय महिलाओं को तो बस सहन करने की आदत ही होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। महिलाओं को अपने आहार की तरफ ध्यान देना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, खुद को फिट रखना चाहिए। अगर वो खुद फिट रहेगी तो उसका पूरा परिवार फिट रहेगा। धन्यवाद। हमारा अगला विषय, आजकल हर घर में महिला और पुरुष के बीच में जो गैरसमझ और संशय के ऊपर से जो झगड़े बढ़ रहे हैं, जिसका रूपांतर फिर घटोस्फोट में होता है, तो इस विषय के ऊपर हमारा अगला वीडियो रहेगा। तो मिलते हैं अगली बार।